சீக்வன்ஸ் நம்பர் 108 பார்த்து வந்து இவங்க டிக் படிக்கிறாங்க. டிக் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் மேல அனுப்புறாங்க. எத்தனை சீட்டும் பாருங்க. பாதி பாதி பிரிச்சுட்டாங்க சீட் வைஸ். इधर सर फोर जल्द से जल्द उड़ान भरने के लिए आप सभी से निवेदन है. ओवरब्रिज पर कुर्सी पर बैठ रहे सामान को सामने वाली कुर्सी में लीजिए. ओवरब्रिज ओवर बातचारी निवास के पास बैठे पैसेंजर्स अपना सारा सामान ओवरब्रिज में रखें. இதோ விண்டோ சீட் போட்டாச்சு. சரி போட்டுருங்க. ஏபிசி அசன் வச்சிருக்காங்க சார். ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துருக்காரு. விண்டோ சீட் போட்டு பெட்ட போட்டு நம்ம டேக்கப் ஆகிறது சமயம் இருக்குது. 9:45 வந்து டேக்கப் ஆகுது நம்ம. சரியா से पहले हम आप रक्षा निर्देश देना चाहेंगे. सीट बेल्ट, कुर्सी की पेटी इस तरह से बांधें, कसने या ढीली करने के लिए इस तरह और पेटी को इस तरह खोलें. अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें. एग्जिट डोर, इस एयरक्राफ्ट में 8 एग्जिट हैं, 2 विमान के आगे की ओर, 4 ओवरविंग पर और 2 एग्जिट एयरक्राफ्ट के पिछले भाग में हैं. इमरजेंसी लाइट्स. एग्जिट की ओर जाने वाली आपातकालीन लाइट्स आई में ओवरहेड बिन्स की साइड में और आपातकालीन निकास के ऊपर लगी हैं.
इवैक्यूएशन के दौरान हमारे क्रू के द्वारा दिखाए गए ये एग्जिट पाथ लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपना सामान जैसे हाई हील्स और नुकीली वस्तुओं को एयरक्राफ्ट में ही छोड़ दें और जितनी जल्दी हो सके विमान से बाहर निकलने की कोशिश करें। ऑक्सीजन मास्क, कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी सीट के ऊपर बने सर्विस यूनिट से नीचे आ जाएंगे। मास्क को अपनी ओर तुरंत खींच लें और नाक को ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहनें और फिर अपने बच्चे या किसी और की सहायता करें। लाइफ वेस्ट, आपकी कुर्सी के नीचे आपकी लाइफ वेस्ट रखी है, क्रू के आदेश पर ही उसे बाहर निकालें। लाइफ वेस्ट को अपने सर के ऊपर से इस तरह से पहने, बकल्स को बांधें और स्ट्रैप को कसकर अपनी कमर पर बांध लें। जैसे ही आप इन रेड हैंडल्स को खींचेंगे आपकी लाइफ वेस्ट ऑटोमेटिकली फूल जाएगी। लाइफ वेस्ट को फुलाने के लिए आप इन ट्यूब्स में हवा भी भर सकते हैं। ये बत्ती पानी में जल उठेगी और दूसरों को आपको ढूंढने में मदद करेगी। लाइफ वेस्ट को डोर पर पानी में कूदने से पहले फुलाएं या बाहर विंग पर फुलाएं। आपातकालीन स्थिति में अपने बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाएं और फिर तुरंत फुलाएं। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड, आपके सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा कार्ड को ध्यान से पढ़ें क्योंकि उसमें आपकी इमरजेंसी ब्रेस पोजीशन और अन्य सुरक्षा निर्देश हैं। कृपया टेक ऑफ से पहले अपना सुरक्षा कार्ड पढ़ लें। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, कुर्सी सीधी रखें, ट्रे टेबल बंद कर लें और अपना विंडो शेड खुला रखें। पूरी फ्लाइट के दौरान सारे साइंस और हमारे क्रू के निर्देशों का पालन करें। आपके ध्यान और सहयोग के लिए धन्यवाद। स्पाइसजेट और कोरिएंटन एयरलाइंस की ओर से हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। சென்னை டு டெல்லி இப்போ டேக் அப் பண்ணுறாங்க ஃப்ளைட்டு. இப்போ ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் போயிட்டுருக்கோம். Thank you.
टेकअप சென்னை மாநகர எவ்வளோ வேகமாக ஃபாஸ்டாக பறக்கணும் எவ்வளோ குளிராக இருந்தது, மேலே பாருங்கள் மேகம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பறக்குது, மேகத்துக்கு கடந்து போகுது. நம்ம மேகத்துக்கு மேலே வந்துட்டாங்க, இப்போ
மேகம்லாம் கீழே போகுது, நம்ம மேலே இருக்கோம். அடுத்து போய் நம்ம லேண்ட் ஆகும் போது பார்ப்போம். இந்த மண்ணுல நாம பிறந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும்னா இந்த மண்ணுக்கு நாம ஏதாச்சும் திருப்பி செய்யணும்னு ஒரு நம்பிக்கைப்பா.